यह एक ऐसा अनूठा मामला है जब वर्ष 1967 के मप्र विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। रोचक बात यह है कि उनकी जमानत जब्त हो गई, फिर भी वह विधायक निर्वाचित हो गए। दरअसल इस चुनाव में जनता ने कांग्रेस व जनसंघ के उम्मीदवारों को भी नकार दिया था। वर्तमान में नोटा के उपयोग को लेकर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन यह मामला अपने आप में अनूठा है। वर्ष 1967 में राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट कांग्रेस ने मांगीलाल सिंघी व जनसंघ ने रामस्वरूप वर्मा को चुनाव लड़ाया था, जबकि निर्दलीय जगन्नाथ सिंह सहित 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव के बाद जब मतगणना हुई तो सर्वाधिक 3,266 वोट निर्दलीय जगन्नाथ सिंह को मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे थे प्रजा समाज पार्टी के रामकरण उग्र को 3,246 वोट मिले थे। कांग्रेस और जनसंघ के प्रत्याशियों को 3,000 से भी कम मत मिले थे। ऐसे में जगन्नाथ सिंह 20 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन खास बात यह है कि वह विधायक तो बन गए थे पर उन्हें उतने वोट नहीं मिले थे जिसके आधार पर कि उनकी जमानत बच पाती। नियमानुसार कुल वैध मतों का छठे भाग से कम मत मिलने पर जमानत जब्त मानी जाती है।